तेरा कोई किन्ना यार, अपने अंदर चाकी मार। किसका गम खार, कौन तेरा कोई किन्ना यार, अपने अंदर चाती मार। कोठियां बंगले महल मनारे इथी रह जाने ने सारे, कोठियां बंगले महल मनारे इथी रह जाने ने सारे। कोई नेकी दा कम कर जा उदार, कौन तेरा कोई किन्ना यार, अपने अंदर चाकी मार। इत्थे आए सिकंदर वर्गे आए खाली हथी टुर गए, इस बाजार कौन तेरा कोई किन्ना यार, अपने अंदर चाती मार। कमले आलोक सियाने कहंदे सदा नी को जय दिन रहंदे, कदी खिजाते कदी बहार, कौन तेरा कोई किन्ना यार, अपने अंदर चाकी मार। कौन तेरा कोई किन्ना यार, अपने अंदर चाकी मार। हथ गमखार, कौन तेरा कोई किन्ना यार, अपने अंदर चाकी मार। की पैसा पैसा मंगल नहीं रार रोक के खड़ो गया, पराठे तो भला होवे बाबा, थके मार पावे ठोकरा, तुहाडा बनदा भी है, की करिए असी अन्ने जो होए। माफ करी मिया, मैं वेख्या नहीं सी। अले, माफ कर। भला होवे बाबा, भला होवे। अखां बड़ी नियामत ने बाबा, अखां बड़ी नियामत, अखां बड़ी नियामत। अपने पुत्र नूं बैठो गड्डी च। नहीं जी नहीं, वो मद वाला भी कला कला पुत्र थी, सच्ची गल मैं डर आता, मैं जफर नूं मार नहीं लगा। मुंशी जी मैं अपने छोटे मियां का ख्याल रखी, अच्छे उपरे चले। बिस्मिल्लाह जी, अंदर बिस्कुट टाफियां पईयां हैं ने,
जो चीज मंगे दे। फिक्र ना करो बीबी जी, आज तक रात में मियां जी मैं ही डांदा रहा, मैंने इन्होंने वीर का सारा ही पता। तो छोटे बैठो जी। मियां जी तुम इतने खेदो तो मैं तेरे ट्रॉफिया लैके आना। अच्छा राजी पुत्र तुम इतने खेद छोटे मियां साहब। गफर ला मेरी भेने, मैं आज तेरा बदला ले आया। तेरे घर औलाद नहीं सी होई ते मियां बशीर तेरे सिर ते सौकन ले आया सी। तू ओदा जुल्म बर्दाश्त नहीं सी कर सकी, तेनू ऐसा रोग लगा जड़ा तेरी मौत पड़ गया। ते मैं आज फेर मियां बशीर नू पे औलाद कर आया, हुण मैं ऐसा रोग लाया कि ना वो मर सकेगा ते ना जी सकेगा। वाह 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 सराजिया, खूब बदला ले आई भैन दा। मेरे को नहीं मियां साहब, खुदा पाक की कसम मैं नमक खा रहा तुहाडा पता नहीं। और नीच, अगर तू किसी के जिगर का टुकड़ा वेच के दौलत कमानी चाहना तो मैं तेनों 10-20-30 हज़ार रुपया देने तैयार हाँ। खुदा दे वास्ते मेरा पप्पू मैनू लिया दे। मियां साहब तुम ये समझ दो कि मैं दौलत हासिल करने जान बुझ के तुहाडे पप्पू नूं गुम किया। दौलत मैं इस बेमां की बच्ची वास्ते हासिल करनी सी ना, ते लो मैं तुहाडे सामने जानो मार के आप फांसी ते चढ़ जाना। मुंशी इनू मर जान दे अल्लाह बख्शा, शायद इसे तरह मियां साहब नूं यकीन आ जाए कि मैं बेगुनाह वा। ए मर जांदी मुंशी ते तू कानून दा मुजरम बन जाना सी। मालिक दा नमक हराम ते नहीं खवाना सी ना। अल्लाह बख्श इस जलील आदमी की बच्ची इनू वापस कर दे, तिके मार के मेरे बंगले च बाहर कर दे। ले फर मुंशी ते जा चला जाए थो। हेलो बशीर जी, जी मैं बोल रहा हूं जी। कोई पता नहीं लगा तेना को तो मैंने भी पता है इंस्पेक्टर साहब, फिर फोन क्यों किया। अला बख्शा साढ़े बाद सराजा तो नहीं आया सी, साड़ी पहली बेगम का भरा। हजूर खुदा नूं जान देनी है मैं उन्हें अपनी अखां नाल नहीं वेख्या। तुसी नीच लोग हुंदे जलील हो, दफा हो जाए तू। तैनू भी आज तो नौकरी जवाब है। मियां साहब वेरी सॉरी, बेगम बच्चे की गुमशुदगी का सदमा ना बर्दाश्त करता है, कदरे जहनी तवाजन खो बैठी। डॉक्टर साहब उन्होंने जिंदगी सिर्फ एक सूरत नाल बच सकती, तुसी अपने किसी अजीज का बच्चा जरा ताड़े जफरदाम उम्र होवे उन्हों की गोदिश दे दो तो उन्होंने जिंदगी बच सकती। बेहतर डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज। साहब उन्हों की जिंदगी सिर्फ एक सूरत नाल बच सकती, तुसी अपने किसी अजीज का बच्चा जरा ताड़े जफरदाम उम्र होवे उन्हों की बहुत देर उन्हों की जिंदगी बच सकती। कोठियां बंगले महल मनाए इथे रह जाने ने सारे, हुन मैं
वतन छड़ के कदी नहीं जावांगी। बस एक बारी अपनी मान माफ कर दे, वापस आ जा बेटे, वापस आ जा। देख मैं कितनी देर तक बावा खोलिया इन्हें। जफर मेरे बच्चे, मेरे लाल मेरे चिकन के टुकड़े, आखिर तू अपनी मान माफ कर देना। मियां साहब कितने, मियां साहब देखो मेरा जफर वापस आ गया। मैं देख रही हूँ बेगम। देख रही हूँ कि पुत्र कार वापस आ गए, तो फिर रो भी रहे हो। तेरी जिंदगी बच गई है बेगम, ते तेरी जिंदगी मैनू इतनी प्यारी सी कि खुशी विच आंसू निकल पए ने। ते जफर दे आन दी तानू कोई खुशी नहीं हुई? जफर तेरी खुशी है, ते तेरी खुशी मेरी जिंदगी है बेगम। मैं नहीं पता तेरी जिंदगी दा, मेरा बेटा आ गया। मैं नहीं पता जफर, मैं तेरे नाल लेके नहीं सी ना गई, ते तू इस पासे मैं नखां दी सजा दी। तो कोई गल नहीं बच्चो, मां दी अखां ते हुंदी ओदी औलाद, ते मैं अपने पुत्र दी अखां नाल देख लांगी। बाहर कोई आया है बेगम? घबरा क्यों गए हो मियां साहब? मैं अपने बच्चे की खैर खरीद पूछना है। तो तू अन्ना नहीं? अखां वाले नूं अन्ना बना कदे कदे अखां मीट लैना। तुसीं इह दसो, दिल लग गया ना बच्चे दा? तू चाहना की है? पर सोच के सवाल करी के बच्चा मेरी बेगम दी जिंदगी दा सवाल है। बेगम दी जिंदगी दा सवाल ना हुंदा, शायद फिर मैं कोई और सवाल करता। तेरी जबान बंद करने लई असी तैनू 5,000 दी नकद रकम देने लई तैयार हां। अपनी जिंदगी दा आसरा तुहाडे घर दा सारा बना दिता है। इस 5,000 दे बाद हर महीने 1,000 रुपए लेना चाहना। हुण सुना, सानू ये शर्त मंजूर है, हर महीने दी इसे तरीक आके 1,000 रुपया ले जाया करी। पेश की 5,000। ऐ ले 5,000 रुपये। ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ? ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੇਗਮ ਤੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਤਸਵੀਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। आओ माजी। मेरी जवानी की तस्वीर खोरे कित्थे होवेगी बेगम? इस घर ते जिदा हुक्म चलना सी, हुण खबरे कौन ओदे ते हुक्म चला रहा होएगा। अरे आओ, आया मेरा शहजादा, आओ आया। खैर आया, खैर होवे। सदके जावा अपने हुक्म दे गुलाम ते जड़ा अज तक कद नहीं पिटिया। जानी हाय, बशर्त के कोल पान दी बेगम खलोती होवे। हुण गल करके कहना चाहनी? जानी एक कदी नहीं पिटिया। ए ते है, हुण तू की चाहनी? लगे शोखी ना करा कर मैं टांड मारा गई। पर नहीं बाबा, तू साडे उस्ताद दी धी है, ते उस्ताद दी धी है नसारे दी धी। ए तेरी की लगदी बे? ओ साडी खैर है यार। वाह 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 वाह।
आज फिर जितया साडा जानी पुत्र बस उस्ताद जी सब इन्हां दी मेहरबानी है सरकार देखो जिन्हू तुहाडे वर्गा उस्ताद ट्रेन कर देवे मैं समझना किसी मैदान च मार नहीं खा सकता जानी पुत्र जिन्ना चिर साडा धंधा चल रहा तेरी किस्मत जित ही जित लो फिर साडी भी गल पल्ले बन लो बल्कि कागज ते लिख लो ये जुए ये बैठक सदा सलामत रहेगी इंशाल्लाह भावे तुसी फाए लागे की दबकना मेरा मतलब उस्ताद जी अल्लाह तुहानू 100 बरस दी जिंदगी दवे अगर तुसी मर गए ते मल्ले दे बालन बिगाड़ेगा काम ओए क्यों मैनू कंडियां च बैठ के सीट ना जानी ओ ते रब दी जात ने कसीर ना मैं कुत्ता कहो ना ए मैं लियो कमी किथे जाना है भाई थोड़ा जे नेकी दा काम करन जाना इंज जाना ते इंज आ जाना हुण सुना बस ठीक ठाक ये इसका चोरा ये मेरा हाथी दे फिफरे कड़ा मेरा कह रहा है चुप क्यों मियां इसमें से निकल के दिखे आओ लाला तू नहीं निकल सकता तो मैं बेवकूफ है जो निकला अच्छा जो कुछ भी आई है इसका चोर चोर देख लाला ये थोड़ी नहीं जीती तू मलकी जात का कसाई तेरे वो तो हम जात का ले लें बकवास करता चोर है इसका अच्छा बाबा तुम्हें जोरावर हो तो अड्डा सत्ती भी सौ है लाला जी मैं इंसाफ करवाना ए भाई जी गल सुनना जरा गल सुनना हाँ जी छोड़ो लाले जरा यार ए दस तांबा है पितले की है जा ज्यादा मैं भी सुने आ रहा ओ असि कदो क्या तू चमियार साडा मसला हल कर की ले ले कर ना यार गबर के दस ओए ये तो पासे दा सोना है वो भाई चमियार साहब ये किस पासे का सोना है अरब दे पासे दा अच्छा कोई किस्सा खानी बाजार दे विच सोना नहीं निकलता एक ठीक है रदा हाँ जी गल ये कि मेरे को 500 रुपया आम देना अच्छा ये मैं खरीद लेना अफसोस मेरे को लाया तो कोई गल नहीं मेरे को 150 रुपया है वो चोर मेरे पास 200 रुपया ये तुम रखो और ये हम कर दिया तो ठीक है लाला जी थोड़ी तो भैन का विह हो सकता इस कड़े ना डोली ना रुक जाए तुसी ला जाओ साड़ी खैर वेखिए जी किड्डे फराक करता सी किवें 200 रखवाया बाकी न्योले तेरी भी कोई जवाब नहीं खुदा दी कसम मजा आ गया जानी नहीं आया अली तक ओए बकवास ना करया कर बंदा खुदा ते सजा को कदे नहीं बच सकता ते लब असी भी लेने हैं पावे सत्ता पड़दे जो सराजिया ऐर करिए ते ना हुन सुना आओ उस्ताद जी बड़ी मुद्दतां दे बाद तुहाडी सूरत देखी है असा चुप दा जंदरा मारे आए हुन सुना गली उस्ताद जी सलाम है बंदा तो हुक्म दा गुलाम है जन्नत च मकाम है दोजख साडे ते हराम है तुसी किधर तेरे प्यो नाल पुरानीयां यादां सन सोचिया कच्चियां ना हो जान पक्कियां कर आवी अच्छा ते तुसी यार दे सूरज नाल डुबदे सूरज दी गल नहीं करी दी असी वक्त वेला पहचान के गल करन वाले बंदे आ जा मौज लै हुन सुना मैं ठीक ठाक तुसी सुनाओ हुन सुना मैं ठीक ठाक और सुनाओ पल खा मैं ठीक ठाक अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी वालेकुम सलाम तू सुना ढक मकौड़े दे कऊ बोए चुप और ना छेड़ा करे दी जाती उतर जानी कुछ ले आंदा ही अब्बा जिन्नी देर ताज दे 52 पत्तियां दे विच हुक्म दा गुलाम है ना तेरा हुक्म दा गुलाम खाली हाथ नहीं आ सकता ऐ लफड़ धाका बद्दा ही ते धागा चेक कर लै बाज ना कोई खोटा पुत्र ये नाल से फल फ्रूट ही मसा आएगा मेरा मतलब मेरा कौड़ा पानी सब कर अब्बा शाम दे फिर ही आ जाएगा सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम ओ जिंदा रहो मेरे पुत्रा लै फे क्या अद्धा गुतोला खुश्क में भाई लाया मेरे सरकार इना दूरिया नशे ने तुहानू मंजी नाल मंजी कर दिता है ते इको ही नशे रखो हूं ओ जा अभी नसीहत ना करया कर तेरे नाल बंदा गुलाम ही चलता ओनू जो हुक्म करिए लिया दिंदा तो सलाम करके वापस चला जाना साहब जी सलाम है साहब जी सलाम है हुक्म दा गुलाम है बंदा सिद्धा सादा है पर बड़ा बदनाम है
ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਏ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਏ ਪਰ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਏ ਸਾਬ ਜੀ ਸਲਾਮ ਏ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਸਾਕੇ ਹਮਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਤੇ ਸੌ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਖੁਆ ਕੇ ਦਾਲ ਤੱਤੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਈ ਸਰਿਆਂ ਮੇ ਸਾਬ ਜੀ वालेकुम अस्सलाम वखान ये देखो वो का प्या का बच्चा है इसको देखता क्या है वो मेरा औरत का कह रहा है अभी अभी मर गया उसको हम गांव लेके जाते कपन दफन का इंतजाम करता पैसा का जरूरत है 500 का करा निकालो रखा हाँ साहब मेरा गल मनो तो पास निस्वार पर खत्म दुआ के ना अपनी बुढ़ी को इधर ही दफन कर दो वो का प्यार का बच्चा इधर किधर तुम्हारे घर में दफन करेगा वो मैयत अमोर लेके जाएगा वो कुकड़ खां जे कड़ा बेच के मैयत ले जानी तो फिर काटी गई क्यों काटी क्यों गई वो इसलिए ही कह रहा है यदि कीमत दा ते मुशपुर भी नहीं आना ते जे मैयत ले जानी तो कमेटी वाले ने कुतरला मिंत कर ले वो पचा देंगे वो को कमेटी का चूड़ा क्या बकवास करती है वो बकवास क्या करता है तुर्की दुम्बे कड़ा असली नहीं है नकली सोने का है एदी नवे दी कीमत 10 रुपए हुंदी है ते पुराना हो गया दी कीमत 5 रुपए रह गई है वो को पुराना भी तुम किया वो उसको किस्ते चाहिए दे किस 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 तो 5 रुपए का नुकसान की ये डर लोग कर ओए काबली पूर्ण नुकसान दे पुत्र इनमें देखा ना असली है कि नकली है अच्छा बकवास बंद करो बकवास ना पुत्र डर फुटे था ओ का प्यार का बच्चा हमारे साथ फ्रॉड किया हमारे साथ चक किया वॉश कर जिंदा नहीं छोड़ेगा वॉश कर सांस का नाली काटेगा छोड़ेगा नहीं हाय 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 ती शेर बरामद होया अर्ज की कहा कि जदो हौली गई लेना मेरा नाम मैं खा मर जानी हा हा
खाना खराबा मैसू मुँह मैसू तैयार नहीं किया हमें तैयार कर देना जी चाचा जी चाचा कह के सारा कुछ ही खराब कर देना। अस्सलाम वालेकुम चाचा जानी। हाँ ढोल जानी गाले वे के इतने बैठ किसे नहीं रहना है दुनिया है फाल। हाय 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 हुक्म करो पर खुरदार। देख चाचा के आप दिलो के है हूं भतीजा बन के असि अर्ज कर सकने चाचा जी। मैं कहना तुम पत्तियां दंदा चो हुक्म करो भतीजा जी। तो जी अर्ज है चाचा जी 500 लड्डू सुचल बूंदी का चाहिए। सुचल बूंदी 500 जी पूरे तैयार होए के होए। मेरी गल सुनो मतलब नौबंदा आ गया चाचा चोर भतीजा काजी मैं चोर ठीक है ना तो मैं हूं अद्धे घंटे तक हाजिर होया जी। बस छेती आओ। अस्सलाम वालेकुम। छेती तैयार कर। अपने बंदे नाल भेजो। कित्थे मैं कोई थाने नहीं ले जाना अपने चाचे की दुकान ते ले जाना हलवाई जी ते पैसे दवावांगा। अच्छा चाचा शादी चाचा अज दा चाचा अस्सलामुअलैकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम आ गया। लो जी 500 का हिसाब है ना जी। ऐसा करना चाचा जी 100 इनू 150 इनू बाकी रह गया 250 मैं अद्धे घंटे तक करा के लल्लांगा। कोई गल नहीं भतीजा जी घर वाली गल चाचा ये हूं ही देना चंगी गल सी हूं तैयार होंगे ना मैं जा हूं। चाचा कुछ ठीक कहना ठीक कहना चाचा लगता गली कुकर कट लेना मैं पैसे नहीं था कीते 50 रुपये तू दे लड्डुआ दे 75 तू दे 100 बाद से लड्डू के पैसे भी नहीं देके गया। 900 बाद होवे 100 बाद होवे सानी पता सानू पैसे ला पैसे मैनू मिस्टर तुहाडे फन की जिनी शनाखत मैनू है ना इस होटल च बैठे किसी नहीं हो सकती। सर इस फनकार ने भी अपने फर्श शनाज की जरूरत है भावे एक वक्त का खाना मिले ना मिले फर्श शनाज जरूर मिल जाए। यार खाना तेरे सामने पे है आ खाना। नहीं सर मैं तो रस्मन गल की तुसी कसमन कहते कोई गल नहीं बहरहाल हूं असलन खाने पे बिल्कुल आओ तो बैठ जाते मां की दाल की प्लेट मंगा लो। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिस्टर बिल मैं देंगा। नहीं सेठ साहब की गल करते पे मैं अपने चाहने वाले लभना बल्कि मेरी कोशिश होंगी कि मैं चार पैसे उन्हें खर्च करा कोई खिदमत करा मेरा फर्ज है जान और फिर ऐसे बड़े होटल जो आता फाका तो नहीं आता जाहिर पैसे लैके आता ये तो मेरी खुशकिस्मती आ ली जा दसा मैं लोगों को किड्डा खुश किया किसी ने मेरा बटवा काट दिया बटवा काट दिया कमाल है सेठ साहब मैंने इस खाने के बिल की परवाह नहीं तुम दे ही देना गम सिर्फ इस गल का कि कल मैं ऑफिस के काम कराची जाना सी और सारा किराया बटवाई सी
यार तू ही कमाल आदमी है, शायद तू नहीं जानता कि तू इसलिए सेठ अब्दुल्ला ही टेबल से बैठा है। यार तू तो एक तरफ टिकट की गल कर रहे हैं, मैं तेनू आन जान का टिकट देंगा। खुदा दी कसम जे तेरे जा यार एड्डी घट कीमत मिल जाए तो इंसान की जिंदगी दुगनी हो जाती। नहीं सेठ साहब, मैं तो एहसान नहीं लेना चाहता। अच्छा तो हूँ तू इनू एहसान करना, यदा मतलब यह कि तू मैं अपना यार नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? फिर सेठ साहब तुम मजबूर कर दिता कि मैं तेरे को किराया थम ला। ये लो अपना टिकट दे पैसे। यार तू तो जाएगा कल जी, तो मैं जाना है दो दिन बाद, क्योंकि मेरा अफ्रीका से बड़ा वाला कारोबार है। माशाल्लाह तो अफ्रीका च कारोबार? हाँ हाँ। की उसे हाथी किराए से देंगे? नहीं यार, उत्थे मेरा खल्ला का कारोबार है। अच्छा, खल्ला का कारोबार? हाँ हाँ। सेठ साहब खल्ला तुसी आप लांदे हो या मुलाजम? नहीं, मेरे मुलाजम है कि। अच्छा अच्छा, जी अच्छी खल होंगी कि तुसी आप ही लांदे हो? हाँ, की मतलब? बहुत अच्छा कारोबार, माशाल्लाह और तरक्की दे। यार चल रहा, तू मेरे नाल नहीं चल? क्यों जी, मैं तो केक का बड़ा शौकीन हाँ। अच्छा, और फिर जी मैं फिर रंगा रंग हो ऐसा काम दिखावे तो खुश हो। ठीक है, चलिए। हाँ चलो जी। सेठ साहब मत करना जी, एक खाने दे बिल दा मनी ऑर्डर भेजो भैया। हो नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कोई नहीं, बिल अक्सर बंदा भूल ही जाता है। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। मैं ना पैसे ले। चलो आज प्लीज। मेरे को लंग चलो, मैं हनेरे च खलोता, नजर नहीं आया जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बेटे, स्कूल नहीं गए? चलो केक ही खाओ। शाबाश। लंग जो हस्ते कल कराची टूर जाना। शमसा तू तो सहेली होने का हक अदा कर दिता है, तो मैं वे घर के कपड़े भी पा दिते ने, पर मेरे अंदर जिड़े छोटे घर की शर्म है वो मैं अगे नहीं बदन देती। रजिया शमिया ते अख दी होंगी, ते इत किसी की जरूरत नहीं जरा तेरे वाल मैली अख ना लगे। शमसा ये कि आओ वेखी। वेख मेरे भाई जन आ गए। शमसा की गल हो रही ने? यह मेरे भाई जन ने। सलाम। वालेकुम सलाम। और मैं इन्होंने भाई जन का यार हाँ, और तुम्हें मेरे लिए बड़ा बेकरार हाँ, सची चले जाना। अरे जी बेटी। चलो सर अब्दुल्ला, कल 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 ऐसे हंस रहे हो, सानू भी शामिल करो। तुम अंदर तशरीफ ले चलो। तू फिक्र ना कर रजिया, मैं भाई जन अगे शिकायत करूंगी। ना ना शमसा, ओना बारे अच्छा इस परी महफिल च कुछ कवा। अच्छा तो फिर आ, भाई जन अपनी सालगिरह का केक कटन लगे ने, उसके बाद अलग अलग करेंगे। कुछ कहना है, गल छिड़ गई है ते फिर मरदा भी कुछ कहना है। दसो नौकरी रहना है, गल छिड़ गई है ते फिर मरदा भी कुछ कहना है।
जलील दे पुत्र ने कराची जाना जे इत्थे वड्डे लोकां च बह के वड्डी गल करनी पैंदी है सच पुछो ना ते ए गरीब ते काम किते करने च जा सकदा की मतलब तुसी इन्ना वड्डे लोकां च नहीं सारे बेर चढ़ के मेरी चोली चा पे ने दिल जाते अद्धे खा ला अद्धे ने देरी ला ला तू हसना खराब मत करो खराब की बची तुम हमारे हम भी इस कड़ा से पूरे मुल्क से पैसा निकालेगा चाहे पैसा सरकारी होएगा चाहे गैर सरकारी होएगा जोड़ेगा नहीं का सारा फिस गया वे बागे बिचो टग्गा लंगया मर गए भाई आई बला टाल तो या अल्लाह ₹500 का कड़ा एक कदी सी लाला जी
हूं सोने का पाग गिर गए। तो इसलिए तो बोलता है कि ये 200 रुपए का तुम लियो ना। सोने का पाग गिर गया, यदि कीमत हूं 10 रुपये वे, या 5 ले लो ये, या दे दियो, इतने गल मुक दी। वाह क्या प्यार, 500 का तुमको 10 का कैसे देगा, 5 का कैसे देगा, बोलो। वाह 5 तुम लियो और कड़ा हमारे पास छोड़ा, चलो जाओ। वाह हमारे से 5 रुपए मांगते है। वो कड़ा भी हमारा था, ये 5 रुपए भी हम दे दिए। वो काफियर का बच्चा हमारे साथ ठगी किया। फिर एक गल याद रखना लाला जी, अगर मैं मर गया तो अगले जहान जाके जान दो तुम्हारा क्या हशर होगा। कुछ परवाह नहीं, फरिश्ते तुम्हें गुर्ज मारेंगे। कुछ परवाह नहीं है, तुम्हें तत्ती रेड के ऊपर घसीटेंगे। कुछ परवाह नहीं है, दरिया में गोते देंगे। कुछ परवाह नहीं है हमको, तुम्हारी नस्वार बंद कर देंगे। कुछ परवाह, आखो हमारा नस्वार मत बंद करो यार, ये देखो तुम्हारा पाँव पड़ता है, खुदा का वास्ता हमारा नस्वार मत बंद करो यार। नस्वार बंद ना करे ना, तो फिर चाकू बंद करो। ये तुम खुद बंद करो। वो काफियर, तुम हमारा असला फेंका। इसलिए फेंका कि तुम्हारा असला खराब है। ओहो, ये तुम हमको अपना शागिर्द बनाओ। मेरा शागिर्द? हाँ। नहीं लाला जी, आपको मेरे उस्ताद का शागिर्द होना पड़ेगा, जिससे मैंने सब काम सीखा। वो सिखाएगा? हाँ जी। वो तुम्हारा मेरा बनी। चलो चलना। चलो हाँ, किनिया रौनक लगी है। या, ये तो पूरा स्कूल लगा हुआ है। ते बस तेन मैं इतने दाखिल कराना है, ते आ मेरे उस्ताद ने मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये खान जी, ये आले खान जी, लगड़े हो? ओ जनी, ओ ये तो बोलती भी है, हम तो समझे कि लोहे का बिल्ली बैठा हुआ है। की बकवास करना प्यार, लोहे का बिल्ली बैठे में मुंह पान देगा तेरा? लोहे का बिल्ली बेवकूफ आदमी ना हो ते, मुझे मुंह बागड़ बिल्ली ना मिलता है। मेरा उस्ताद इंसान है, बड़ा कारीगर आदमी है। सब काम तुम इससे सीखा है? हाँ, बड़ा फनकार है। ओए यार, ये तो काफियर का बच्चा बहुत बड़ा फनकार है। तेनू भी बना देगा। अच्छा अच्छा जानी। अच्छा ए तांबे दा रिश्क कितों फड़ लिया? ये भांडे ले बाजार च, मैं के एक मट्टी बनवा लांगा। और तुहाडे शागिर्द करा नहीं लैंदा जिवें? अच्छा हां जी। ये की काम जानदा? काम जानदा ए, अपनी बाबडा बिल्डिंग नहीं ओदी सारी लोड़ी इहने कुट्टी सी, बड़ा काम दा करन वाला जी। अच्छा हां, और की काम जानना है? जो तुम बोलेगा वो काम करेगा। क्यों क्या बोलते नहीं है तुम? बिल्कुल करेगा, करेगा जो काम बोलेगा। तो फिर तो आटा शिगिर्द हो जावे। हम सुना इंज कर, कहा तू मिठाई ले गया? मिठाई? हां, तनु एदा शिगिर्द कर देने, बड़ा बड़ा फनकार है। हम सुना की करदे पे उस्ताद जी? मिठाई दे चक्करी ना पवो, नसवार दी चुंडी लगो, तेन फारग करो। चलो नसवार दी चुंडी। हम सुना, हां हम सुना, नसवार का तेरा हाल बस अब्बा। ए कोनी तेरे का नवा बुरछा है? ओ, ये बुलबुल का बच्चा कौन है यार? हाँ, ये हमारी बेटी है। तुम्हारी बेटी है तो प्यारे अमार। तो आधा भी बेटी नहीं नहीं। मैं क्या पुत्र? तू प्रोने नू जरा रोटी छोटी दे, ते मैं सुने आया है। वो तुम जल्दी से हमको रोटी पाओ, अगर इसको बोलो रोटी नहीं है तो हमको जफी पा। अच्छा जी जी, जफी भी ना पावी रोटी भी ना खुआवे तो फिर पटा पा दे।
ठीक है अच्छा मैं सत्तो मैं चल लिया इस मेहमान जमीन ते बाई बाज ना तो सारा फर्नीचर टूट गया खुदा मेरा बानी वो ये जमीन वाला क्या बोला उसका कुछ नहीं बोला चलो अच्छा चल ये तो चल खुदा हाफिज खुदा हाफिज फिर मिलेंगे बाजी और तुहानू घर जाने की जरूरत नहीं तुहाडा माल तो इत्थे ही आ गया अरे ताजे साडा माल तो साडे कोल आप ही पहुंच गया तुहाडा माल दे दे चलो फिर तुसी अस्सलाम वालेकुम मेरा ख्याल तुसी मैनू पहचाने नहीं चलो उधर गड्डी तैयार है ए थे जा भाई ओए कौन है तू की गल है तुम्हारे मामा जी बुला रहे हैं मामा जी आओ एक गल सुन मेरिया तारा मिली हुई नहीं तो तू इन हाथ लाता है और शुक्र कर बिजली गई नहीं तू सड़क सो हो जाना सी बकवास कर रहे मिस्त्री मैं तेरे से जरी राजनी गला सुन राती नहीं गा समझ आई ना गल सुन तेज गांव के ड्राइवर तू है मार खान का आदि अपनी इज्जत बचाते बचाते अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेंदी मैं ते जाना जी मैं अपनी जिंदगी नु बचाया ते अल्लाह तुहानू सलामत रखे ते हर बला तो महफूज रखे फिर मैं भी अपनी जिंदगी तेरे नाम ला लूंगी जे तुसी अपनी जिंदगी मेरे नामे लाती है तो शिकर ना करो व्याह तो बाद मैं तुहाडे नामे कोठी ला दिया मैं तुहाडा हाथ फड़ सकना जे इजाजत दियो तो थोड़ी जी जरूरत होर करा पहले मेरे बाप ने मेरे रूट पर मटोना को ले मेरा मतलब किथे मिल लगे मुंशी ने डाखाने दे बार बैठे ने आते और एयर कंडीशन कमरे में बैठे मेरा मतलब है जे मैं मिल गए ना मैं उन्होंने को फौरन इजाजत नामा ले लांगा बाजार उन का नामा ले के मैं तो ढेर ला जा अच्छा फिर मैं चली अच्छा जी मैं कह जी गल सुनो जो राय तो बगू गोशा फेर टकरे ना तो जोर की चीख मार देना मैं पहुंच जाऊंगा ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਮ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲਵ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਬਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਵ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣਾ ਤਵੀ ਤਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਰਜ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ तेरा मतलब है रज्जो जी मैं उन अपनी शरीक जिंदगी बनाना चाहना ते हर जरूरतमंद की दरखास्त लिखने वाले बुजुर्ग के अगे मैं अपनी दरखास्त पेश की बरखुरदार मैं तेरी गल का बुरा इस वास्ते नहीं मनिया कि तू एक जवान धी के प्यो अगे बड़े जायज तरीके गल की अमीर होने की हसीयत कोई रोब नहीं पाया मेरे ते पर मेरी एक गल याद रखी बरखुरदार कि मैं तेरी इस दुनिया नू बड़िया दूर रस नजर न देखे है ते इस नतीजे ते पहुंचा कि मेरे जे गरीब आदमी की धी तुहाडे जे अमीर के घर नौकरानी ते बन सकती है नो नहीं असि भी उन्हें नौकरानिया वर्गे सलूक करांगे ये खुशकिस्मती है कि वह सानू पसंद आ गई ओदी बदकिस्मती है कि तैनू पसंद आ गई है बस हूँ कोई गल ना करी तो यह गल याद रखी कि मैं अपनी लड़की की शादी उस शरीफ के गरीब लड़के नाल करांगा जरा 200-400 रुपया मावार कमांदा होवे तू जा सकने बुढ़िया जे तू शराफत नाल ना मन्या ते मैं अपनी पसंद खो के ना जावां सी गरीब लोग अपने आप नु समझ देखे बस तुहाडे वर्गा नहीं समझदे इन्ना फर्क जरूर समझने फिर एक गल याद रखी
तू मैंने इंतकाम लैन की दावत दी है तो मैं दावत कमा ने देख रहे हैं बेटे वो दौलत वाला है वक्त की रफ्तार से उदा पैर है ते वक्त की मुहार उदे हाथ है वो जिस तरह चाहे जा सकता है बिल्कुल ठीक है बाबा हजूर बाबा हजूर किसी चंगे खून की जुबान है पर मैं उस बहू साहब जिड्डा वड्डा आदमी ना समझता मैं एक गरीब ते मेहनत कश इंसान हाँ 300-400 रुपया बइज्जत कमा लेना जिदे नाल अपना ते अपने बुढ़े बाप का पेट पालना उन्हां दी हर ख्वाहिश में अल्लाह का हुक्म समझना उन्हां दी खिदमत करना मेरा फर्ज माशाल्लाह मैं तां किहड़े पासे लै गया मैं मामा जी नूं खत लिखवाना जो कुछ लिखवाना है ना बेटे इक्को बारी मैनूं दस दे मैं आपे सोहना जिहा मजमून बना के तेरा खत लिख देंगा बाबा जी मैं भी इहो ही चाहना तुसीं इक्को बारी मेरे को गल सुन लो मैं खत अपने मामा जी नूं लिखवाना चाहना जिन्हें धी ना मेरी मंगनी होनी तो बाबा जी वो कुछ वड्डे लोग हो गए हैं तो मैं ये लिखवाना चाहना कि मैं भी खटन कमान जोगा हो गया एक मजदूर की तनख्वाह 300-400 रुपए तो वध की हो सकती तो बाबा जी ये भी लिख दियो कि मैं फौरन वापसी का जवाब दियो कि शादी की तारीख मुकर्र करने में अब्बा जी कई दिन भेज दिया बाकी वड्डियां सलाम तो बच्चों प्यार फक तुहाडा अपना जानी उर्फ हुक्म का गुलाम माशाल्लाह लो पुत्र जी ऐसा मजमून बनावांगे कि पन वाले दे दिल ही मोम हो जाएं तुहाडी बड़ी मेहरबानी पता नोट कर लो बाबा जी मौजा गुजरा जिला व तहसील गुजरा वाला अमाम दीन बुलडोजर वाले को मिले हेलो बाबा जी तुहाडा हदिया 5 रुपए नहीं भाई असी तेरे को कुछ नहीं लेना तू साडा पुत्र ते फिर बाबा जी पुत्रां ते बुजुर्गां दी खिदमत करना फर्ज रख लो 5 रुपए बाबा जी मैं कोई किसी की जेब चो नहीं कट के लिया चावल है वाह मौला जे एक अमीर बन के दुख दे गया तो एक गरीब पुत्र बन के भी आ गया उदा इलाज हो सकता है तुसी जो मेरा पुत्र ही है ये भी बात दूध ले लो दूध आ दूध ले लो दूध क्या फतिया ये दूध ले लो दूध दूध वाली देखी आहो यार मशहूर ते वाले चल हंदरा चल के ता मजा ते लाई चल मार गए जिन्ना दुश्मना दी खातर पेस वटाए सो ते बंदे ते राज खलोते ने कोई गल नहीं मैं भी बड़ी सेक्सी है निपड़ ला गई ए दूध ले लो दूध आयशा लजवानिया चमा दूध पीसा है पीसा पर कल्ला नहीं अच्छा मुड़ जा मान चवाज मार सोनी है मां दा बीबी के ते जवान होया अज मजा ते ता आएगा कि एक कुड तू कूड़ पिया मरे ने वारी वारी ना कल दोन वारी दा ताप च चढ़े मैं जान दे हो गल ता सुन पर हट वे बेड़ा गर्क होई मैं क्या इस कुड़ी के खच्चर बढ़िया दुलतियां मार दी नबी फतेह कुछ ज्यादा ही पीड़े हुए सन गुलाम तो मैनू याद आया कोई किधर पागल दा पुत्र हुक्म दा गुलाम तो नहीं सी ओ चल जफरे नु दसिए ओ चल जल्दी कर फिर या दूध ले लो दूध ताकियां दा सानू नहीं चाहिदा हां नहीं भैड़िए दूध ले ला दो चर मूंगरी ले ला थोड़ी जी खीर चा पकाई या चाह बना के पीऊ नु चा पियाई भैड़िए मैं तो एक पैसा भी नहीं मांगदी तेरे आए धरा ये खुदा दी हाँ चानू चा बोतला आती है अल्लाह ताला ने हाथ पीछे कहनी तू चानी की है हाँ नहीं भैड़िए और दो के और दे ये बात नु नहीं जानती तू वेहती नहीं तेरे दर्शन ने मैं रोज रूप बटा के आनी है ਇਧਰਾ ਭੈੜੀ ਸੀਨੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਾ ਮਾਰੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪਰਾ ਮਰੀਏ ਜਾਨੇ ਤੂੰ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਆ ਗਈ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮਝ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ
उन्होंने एक सोच तू है। बिल्कुल मर गई, मैं भांड के सामने मेरा ख्याल कुत्ता बिल्ला आ गया दूध में चपा मुंह न चपा दे। देखिए तेरे अब्बा ही ना होवे तो फिर भी तो भांडे पलीत हो जाएंगे भैड़िए। वो तो दबाओ की गल है बाऊजी? इतने एक दूध बेचने ले आई सी, वो कितने दूध बेचने वाली मेरे घर आई है, तुसी क्यों पूछ रहे हो? तक रजो असि तन दिलो अपना कह चुके, असि नहीं पसंद करते कि कोई तेरे वाल मैली आखी वेखे। आहो किदी जरूरत है? तेरे घर इसलिए आया कि मैंने पता लगा सी वो कमीना जानी औरत दे रूप विच तेरे घर आया। जानी? जानी दा की काम है थे? तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, तो जानी अच्छा आदमी नहीं तो मैं डर है कल तेरी बदनामी दा। सफर साहब मैं तुहाडे नाल गुस्से हो जाऊंगी, देखो ना अज ते अब्बा जी भी घर नहीं है, तुसी बैठो चाह पियोगे कि लस्सी? जो तू अपने हक नाल जहर भी फन कोई इतराज नहीं, वैसे गर्मी का मौसम है लस्सी हो जाए तो बड़ी अच्छी गल है। तुसी बैठो मैं हुने लेके। अच्छा तो चलती ना, मैंने तो सारो मुसीबत बैठी मैं उन्होंने करना चलानी है तो पिछो निकल जाए है। तो तुसी दोवे पीछे कर ले, तू फिक्र ना कर। आज क्यों इधर पीछे खांड ते पाने तू कि शरबत की बोतल है? मैं तो शरबत की बोतल नहीं, पर तू इस नाने कम पाए हुए ने। तू मरदावे पा ला सड़ने क्यों है? वे सर्दी मेरी जुत्ती। अरे दस ए कपड़ पा के की काम वखाया ही? आए सब तो ऐसा काम वखाया सजना दे दर्शन भी हो गए ने ते दु नानी और तू साडी कदर नहीं पहचानी फिड़े मोए। ओए ऐ वेला मजाक करंदा नहीं ओ, तेरे बिनु दिल दा दौरा पै गया ते डॉक्टर दा बंदोबस्त कर। ओए की खनाती ओ जालिमा, मां जे जन्नत दी छां ते पहले नहीं सी वेखी ते अब्बा भी नहीं। ते सामने मेरा पुत्र सफर होवे। बेगम डॉक्टर साहब आ गए ने, इन्होंने मैं बड़े कॉन्फिडेंस नाल दसिया कि तुहाडी बिनाई वापस आ जाएगी। तुसी मेरी पट्टी ते खोलन लगे हो डॉक्टर साहब, पर जब तक मेरा पुत्र सामने नहीं आंदा मैं अखा नहीं खोलनी। फिक्र ना करो बेगम साहबा, बरखुरदार सामने ही होगा। मैं जफर नू मिल के आया, वो कह रहा सी कि मैं अपनी अम्मी की पट्टी खोलन तक हाजिर हो जाऊंगा। बिस्मिल्ला पढ़ के अखां खोलो। मियां साहब देख लो मेरा पुत्र सामने नहीं हैगा ते मैनू मैनू कुछ नजर नहीं आ रहा। वे मां सदके तू तैयार इस मां दी अखां दा चानन ने, तेरी अखां च आंसू क्यों ने? मां नूं मिलन दी खुशी दे आंसू ने, मां दे दुख दे आंसू ने। ते की तू जफर ने? मैं जफर नहीं, पुत्र आई कमान तुहानू पुत्र वेख लिए अखां दा नूर मिलिया, तो मैं रब अगे दुआ करना मेरी अखां दा नूर ले लवे, मैनू मेरी मां मिला दे। फिर मां सदके जे पुत्र बन के आया ते मैं तैनू मां बन के अपने सीने में ला लांगी। मां जी पुत्र सलील कमीने, मेरी मां दा पुत्र बन के मेरा हक खोना चाहना है तो मैं तैनू अपना हक नहीं खोल देगा। जे तू जफर है ते खुदा दा वास्ता ही हुन मेरे ते हाथ ना चुकी।
नहीं मां जी, ऐस नौसर बाद में जिंदा नहीं छड़ांगा। जफर बेटे दिल ना दुखा, ये तो तेनों देखने तरस रही सी। मेरे वल तक जफर, तू ते मेरी बंद अखा नाल भी मेरा पुत्ता से, पर जेड़ा अज मां कह के मिले ओ अखा दा नूर बन के आया। मां जी, तुसी इस परले दर्जे दे लोफर नू अपनी अखा दा नूर कह के मेरी तोहीन कर रहे हो। मां दे दिल दी एहो ही आवाज वे कि तू ए दिन ज्यादती करके मां दे दिल दा खून कर रहे ते कसम ही पैदा करन वाले थी। मेरे यकीन नू शक पै जाना ही कि हवरे तो मेरा पुत्र है कि ए मेरा पुत्र है। जफर बेटे, मैं तादियां अखां दा इलाज ते करा दित्ता है, पर इंज लगदा है तेरी इस हरकत तो बाद इन्हां नू दिल दा मर्ज भी हो जाए। अच्छा बरखुला खुदा। अच्छा बरखुला, मेहरबानी। छोटे जी, तू कार रही जरा, मैं अस्पताल चले जा। कौन सब जानी आ गए? की हाल है पाजी? उधर आ गए, उधर मुड़ते दर्द थोड़ी रहे। खो अल्लाह का शुक्र है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब्बा जी, हो जाए गल्ला ना करो, खुदा ना खासा तो कुछ होगा तो मेरा इस दुनिया का सहारा है। सहारा तो तू मेरे पुत्र। डॉक्टर साहब, मेरे अब्बा जी ठीक हो जाएंगे ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है। बहुत सरा दिया तेनू रख दिया रखा, मैंने तो कुड़ी ने आके दसे थे, मैं तेरी खबर लेना आ गया हूँ। सुना वो क्या सुना है? बीमार है, देखते नहीं है? जाने यार, तू साडे यार दी बीमारी दी खबर ही सामने देती हूँ। सुना की सुनावा तुसी? अन्ने अन्ने आंदा अब्बा जी बीमार ने। सुना की सुनावा? बाकी डॉक्टर साहब को जाके पूछ लो। अच्छा सराजिया, और मैं क्या यार, वो तो बीमार है बेचारा, वो तुसी उधर साडे वाला आंदा धंधा ही छड़ दिता, वो साडा काम काज बंद करा होना थे। उस्ताद जी फिक्र ना करो, अब्बा जी ठीक हो गए ना? ठीक है, ये कैसा है राकेट का बच्चा? अच्छा लाला बोला, मैं भी जरा चले जा। और तुम क्या कर जाते? मैं अब्बा जी को थोड़ा जा फ्रूट ले आया। अच्छा ठीक, तेरी स्वाद नहीं मुकी? नहीं नचवा रहे हमारे पास खाता है? नहीं नहीं खाता नहीं, मैं मतलब होते नहीं जाते। नहीं ठीक है, कभी बस ठीक है। अच्छा लाला बोला, वो जानी ये इसका थूक अंदर नहीं लेके जाता, बीमार हो जाता है आदमी। अंदर थूक नहीं जाते? नहीं बात करते हैं, तू जेब भी थूक लेंगे जमीन देना थूक। चलो ठीक है ना? ठीक है। अच्छा मैं क्या, तू अब्बा जी को रहे ना? ठीक है इधर है, बस फिर तो फ्रूट की गड लेनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। क्यों क्या क्या? मेरा मतलब है लाला, मैंने एक तो होर जरूरी काम ने जेड़े जाके मैं अज करने ने। की गल है बरखुदा, रोना क्या है? बाबा जी तुसी मैनू ये दसो, ये दुनिया वाले की जिस वेले इन्हां कोल चार पैसे आ जांदे ने दुख क्यों देना शुरू कर देंदे ने? किन्ने दुख दिता साडे जफाकश पुत्र नूं? ओहदा बेड़ा गर्क होवे मेरे माने दा, जिन मैं तुहाडे कोल खत लिखवाया सी। की लिखिया उहने? लिखदा जिहड़ा तूं मैनूं खत लिखिया सी ना, ओहदे विच तूं अपनी औकात तों उच्चियां गल्लां लिखियां। तूं इक घटिया तबके दा गरीब मजदूर ते साडी धी लई कम अज कम एमए पासवार होना चाहिए, कोठियां ते बंगलियां दा मालक होना चाहिए। देखो बाबा जी दुआई खुदा दी, आप भावें तेजाब हाथे च रहिंदे हुण साडे कोल कोठियां ते बंगले मांग लैंदे ने। ओए चलिया पुत्रा, ऐ दस मां जिउंदी? नहीं बस फिर ते गल ही मुक गई बरखुरदार, मामियां दा रिश्ता ते मां दी जिंदगी फिकर ही हुंदा। ते फिर बाबा जी तुसी दसो इस झूठी दुनिया च केड़ा सच्चा रिश्ता है जिदे मैं जाके बांह फड़ लवां? माफ करना, मैं जज्बाती होकर तुहाडी बांह फड़ लई। कोई गल नहीं पुत्र, जे बांह फाड़ी लई ते असी तेरा रिश्ता बनांगे, असी तेरा सच्चा रिश्ता बनांगे पुत्र। तेरे जज्बात तेनू सही मुकाम ते लै आए ने, तेरे जा शरीफ ते मेहनती लड़के नू साडा दामाद होना चाहिदा जी। फड़ मेरा पता ही ते वालिद नूं लैके आ जाईं। बड़ी बड़ी मेहरबानी बाबा जी, इस गरीब मजदूर दा मान रख लिया जे मैं तुहाडा शुक्रिया किस मूंह नाल अदा करां। जे अज मैं तुहाडे कोल ना आंदा, मैं अज सोच रहा सा कि मैं शादियां करा ले दफ्तर जावा, पर किराया थो रह गया। लो बाबा जी मैं फटाफट इजाजत दियो, मैं जाके प्यो दा बंदोबस्त करना। प्यो दा बंदोबस्त? माफ करना, शादी दा बंदोबस्त करना। अच्छा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। टेलर मास्टर का बच्चा क्या देखता, तुम हमारा नाप लेते?
ओए बड़े सिरी पावे पकाने वाली देख, मैं तेरे देखना कि तू प्यू दे रूप च कैसा लगेगा। छोड़ यार, तुम हमारे शादी तो कराते नहीं तो बाप कैसे बनेगा। खाना खराबा, मैं तेन अपना प्यू बनाना चाहना। अच्छा 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 ठीक है। और तुम्हारा वालदा का उम्र क्या? यो यार कोई 25-26 की बकवास करना पिया। और मैं तेन अपना नकली प्यू बना लगा इस गले तिल खा के मेरा प्यू बीमार है अस्पताल ही पिया, मेरे रिश्ते की गल पी होंगी बेड़ा गर्क ना हो जाए, इस गले मैं तो नाल ले जाना चाहना। वो ठीक है ठीक है। वो काफिया का बच्चा क्यों अब्बा जी? वो देखो हम पठान है, तुम पंजाबी, हम तुम्हारा बाप कैसे हो सकता? इस गल का फिक्र ना कर तू, जो मैंने पूछेंगे तो मैं कह देंगा कि मेरी मां ने लंडी कोतल जाके निकाह पढ़ा लिया। चल ठीक है, आओ हूं चल के प्यू का रूप धार। चल तुम चलो पहले चला ना यार। चलो तुर पाओ यार। चलो तुम कट्टा पड़वा लिया गए। मैं किस टैग नु प्यो बना लिया। चलो जो बोलती है मैं उसको समझाती हूँ, तुसी अब्बा जी जरा चुप कर। ठीक बाबा जोर अर्जे वे कि मैं छोटा जिना सा तो मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया। उदू बाद एक दिन का की वाकया है कि मेरी वालदा पिशौर बाड़ियों कपड़ा खरीदन गई है तो इन्होंने कर लिया है। देखो ना बाप का साया सिर तो नहीं सीगा अलहमदुल्ला, और खुश असी बड़े इन्हों का बड़ा कारोबार है। की कारोबार है पुत्र? ये पिशौर च खोतियां किस्तों पर देंगे। किस्तों से जी? देखो मकान किस्तों से मिल जाते हैं, कारा किस्तों से मिल जाती है, इन्हें भी अपनी कंपनी की मशहूरी से खोतियां किस्तों देनी शुरू करती हैं। तुम फिक्र नहीं करो, तुम को कोती परी देगा। अच्छा कितने सही लोग ना। और ये गल है कि शुरू तो लैके आज तक इन्होंने शफकत पिदरी के हाथ में सिर तक रखे बाबा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वही इसमें माशाल्लाह का क्या बात है, वो हम भी तुम्हारे ऊपर भी शफकत, क्या कौन सा आप बोला शफकत पिदरी सजा हाथ? वो यार तुम्हारे ऊपर भी रखेगा, फिक्र मत करो, हम तुम्हारा बेटी को अपना बेटी बनाएगा, बल्कि अपना बहू बनाएगा। जी सानू ताले को ले हो मी सी। चलो चौकरी मंगवाओ, किधर है? भाई भाई वो जानी वह छोकरी तो बुलबुल का बच्चा है। बुलबुल का बच्चा? ठीक है तुम फिक्र मत करो, हम यश का वालदा को भी बुलबुल का बच्चा बोलते थे, यश को भी बुलबुल का बच्चा बोलते हैं। तुम्हारी आदत होनी। हाँ वाह बुलबुल का बच्चा छोकरी, बैठो ये दर हमारे सामने बैठो पुत्र। तो अब रह गया रिश्ते का बात, तो खान साहब बात यह कि तुम भी मुसलमान है हम भी मुसलमान है, तुम भी पाकिस्तान में रहते हो हम भी रहते, रिश्ते का बात छोड़ो छोड़ो। नहीं रिश्ते का बात करो, तुमको रिश्ते का बात करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो हम देखेगा कि कैसे निकलता। रिश्ते की गल है खान साहब, वो तो जिस दिन मैं मुंडे देखा सी दिलो फैसला कर लिया सी, अज भाई जुबानी भी इकरार करना कि मेरी धी तुहाडी नूंह बनेगी। इसको भी तो पैदा है, पिस्ता खाएगी, बादाम खाएगी, अखरोट खाएगी, सलाजीत खाएगी, क्या बोलते हैं? वह बिश्ती तुमको मालूम है कि हमारा बेटिया का रिश्ता पक्का हुआ गया, तो ये लग थोड़ा नस्वार खाओ मुंह में चक्कर। अब्बा जी की पे कर दो, नस्वार खाएगा चक्कर आएंगे, बोगा कटेगा तो खूब जा पे मर जाएगा। वह तुम नहीं जानते ये कमी कमीन लोग, ये इसको कुछ न कुछ देना चाहिए ना। तो अब्बा जी ये लड्डू दे देने अला नहीं है। ये लो। हाँ साहब। हाँ तुसी जाने के वालिद साहब हो? और क्या तुम्हारा वालिद साहब? आखो वक्त आएगा तुम्हारा वालिद भी बनेगा, तुम्हारा वालिद का वालिद भी बनेगा, वो उसका भी वालिद बनेगा। वो तेरा दिमाग खराब है और क्यों मेरे प्यो दे पूछल दे पैर रखते, जा काम कर जाके। चलो जाओ जाओ। भाई जानी जी बजी ये पूछल क्या होता? अब्बा जी इज्जत। ओए हमारा इज्जत पे पांव रखते, मैं हम तो इसका गीता पटोड़ेगा। ओ हां साहब छोड़ो छोड़ो ना गल्ला नु, किदे मगर पै गया, तानू मुबारक होवे। आ देखो ना एला पुत्र ए तेरी सलामी मुबारक। ओहो आपको भी मुबारक हो जानी, खो तुमको भी मुबारक हो। मुबारक खान जी। अब्बा जी लाख लाख मुबारक, करोड़ करोड़ मुबारक अब्बा जी। हां ठीक खान साहब जी, एक छोटी सी नी गल मैं और पूछनी है। बोल बोल। ये अपने जानी का कारोबार की है, मतलब एक काम की कर रहा है? वो बेटा तुम बोलेगा या हम बताए? भाई तुसी दस दो। वो इसका कारोबार का मुतलक बात यह है कि तुम कौन होते पूछने वाला, आज तक हमने नहीं पूछा कि ये क्या कारोबार करते हैं।
खैर चलो ठीक है, तुमने पूछ लिया तो बुजुर्ग आदमी है तो पूछना चाहिए ना। बोलना क्या बोलता है क्या? वो ये सड़क सवार है। सड़क सवार है मतलब बेकार है? ओह यार इसका बुढ़ा का मगज में कोई बात नहीं आता। ये इसको बोले सड़क सवार, क्या बोलते वो इसको, वो रक्षा चलाते। अच्छा अच्छा, जब इसका शादी हो जाएगा तो कोठी चलाएगा और सारा कारोबार हमारा जब इसको संभालेगा ना ये। ठीक है ठीक है, ये क्या बोलती है शादी का बात है, ये लो तुम भी तो रखो, ये लो चलो। बाप को बोला की हम शरीफ आदमी अच्छा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो देख अब ये टागी मागी चोर पराठ मराठ चोर तो इसको बेवा बना। तिलोखा गल तो ठीक कही, जिसे तक तलक रजो दा है ना वो जैसे खादमा साढ़े जान भी आज रहे, लेकिन उस्ताद नु की जवाब देंगे। वो चोरा उस्ताद को गोली मार, वो उसका तो मुंह ही अच्छा नहीं है, वो ऐसी को चुमिया लेनी है ने। वो ठीक है उस्ताद जो। मैं क्या हाँ। याद आया क्या, एक दफे मैं नौकरी मेरा मतलब है ड्राइवरी सीखी सी, तो जे कि नौकरी मिल जाए तो लाला। वो खो तुम डिलीवरी सीखे हाँ? वो खो हमको भी याद आया कि हम भी टैगी से पहले ट्रक चलाता था। नौकरी लगी चल आज मां जी तुसी इत्थे खलोते आखो कोई खरीदन वास्ते अगे गए ने, मैं उन्हें नहीं है। तुसी आओ मैं तुम छा देना, आ जाओ लो मन दो।
अच्छा जी मैनू इजाजत दे। ठहर जा पुत्र, अंदर चल, कुछ चाह पानी ते पी ले। नहीं जी मैं रजिया, मेहरबानी। ते फेर इंज कर, ए कुछ पैसे ने अपने कोल रख ले, कपड़े बना ले। नहीं मां जी, अल्लाह दिता सब कुछ है। तेरा प्यो मारे ओदे वास्ते रख ले। मां जी मेरे जे जवान पुत्र ते मावां नु कमा के दिंदे ने, मावां कोलो पैसे लैंदे नहीं। बस तुसी मेरे हक दी दुआ कर दिया करो, मां दीआं दुआवां ते पुत्र लई टाल दा काम कर दे। पर तेरी मां जतों दी होश संभालीए, ये अखां उस मां नु लभदीआं फिरदीआं ने जेड़ी खौर केड़ी कबरे जा सुती है। मां जी जिस वेले तुसी मैनु पुत्र कह के बुलाते हो ना, मेरे अंदरों एक हूक उठती है, वो कहती है मैं तुहानू मां कह दिया। मेरा भी कुछ एहो जिहा ही हाल है पुत्र, तू जदों मेरे सामने आना ते ए हथ बेसाखता तेनू प्यार करन लई उठ पैंदे ने। ए क्यों, ए ते मैं भी नहीं जानती। की गल है पुत्र? कुछ नहीं मां जी, एवं जरा जज्बाती हो गया सा। अच्छा मैनू इजाजत दियो। पर पुत्र जी अपना ठिकाना ते दसता जा। मेरा ठिकाना मां जी, मैं चबुजी दे पिछले पासे शाम नगर च रहना, हुक्म दा गुलाम कह के जिन्हू पुछोगे पता दस देगा, उत्थे मैनू बच्चा बच्चा जानदा है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम पुत्र। रिक्शा खाली है? किथे जाना बीबी? सांदे। 3 रुपए होंगे। 3 रुपए? 12 ने 92 तो रुपया ले ली। मीटर खराब है बीबी, 3 रुपए ही होंगे। चल 2 रुपए ले ले। नहीं बीबी कहता नहीं जाना। बड़ी ढीठ है। दो घंटे तो मैंने तुसी आवाज़ आर किता है, खज्जल खुआरी करन डे हो, बस स्टॉप पे जांदे हो, किसी कोठ च वड़ जांदे हो, कभी किसी होटल च वड़ जांदे हो, तुहाडा कोई बच्चा केड़ी ऐसी शहर जिहड़ी 2 घंटे तुहानू नहीं लभदी पई? मैं अपनी किसी फ्रेंड नूं टाइम दित्ता सी, ओह कमीना मैं किधरे भी नहीं नजर आ रहा। जे ओह मिल जांदा ते मैं तुहानू रिक्शे दा भी किराया दे दिंदी, पर हुण मैं मजबूर हाँ। मैं भी बड़ा मजबूर हो गया, मेहनत कीती कि तेरा इहदे साडे खूह च पा दित्ती जी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੜਕੇ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਚਲੋ मैं उड़ता जाए वो मेरा लाल दुपट्टा मखमल का, खोजिए खोजिए वो ये दर वो दर न जाए वो मेरा लाल दुपट्टा मखमल। ओ हो, दोनों रिश्तों का खाना खराब हो गया। वो बोला किधर जाता है? चलो मोटी अकल वाला वो चटीबा, ये शिमला पहाड़ी के साथ में है? नहीं उधर नहीं, चल तू, मैं तो मैं बस ही जानी है। हाँ ठीक है ठीक है, बुलबुल का बच्चा। और क्या मेरा नी चटीबा? वे तुम मेनू चक्कर दे रहे? वक्का प्यार का बच्चा, हम तुमको नसवार किला है कि तुमको चक्कर आ गया? मेरे में चक्कर नो, हाथ छाड़ के गाल कर, नहीं तो तेरी दाढ़ी फूट के किधर दे देगा? तेरे हाथ
ये क्या हम किधर और समझे था, चलो फूटो 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 हेगा तासे तो ऐसे ही काबिल है अल्लाह ओ हाय मैं मर गई वे तिल्लो का तू ओ काफिर का बच्चा हम तुमको एक नजर में पहचाना तुम हमको पहचानते नहीं है वो तुम हमारा दाढ़ी फूटे हम तुम्हारा बाल फूटे वो चलो उधर ऊंचा टीबा दिखाए पहरा जो कहते हैं और तेरे पियू का एक्सीडेंट हो गया तो तेन 48 याद किया जल्दी टूर मेरी भैने आखिर मेरे तक आके मुकता है ते फिर ए भी याद रख सफर मेरे साथ मुक सकते ने पर मैं तेरे नहीं होवांगी और ठहर जाओ शैतानो कू ए मैं अपनी मुंदरी घड़ी ते दिहाड़ी दी कमाई तेरे हवाले कर दिया कि चला जा और बाबा बकवास ना कर तो दफा जा लगा ले के पुत्र जे तू मेनू नहीं लुटना ते फिर मैं अपनी सवारी नु भी नहीं लुटिया जान देना मेहना ऐसा मेरे मजदूर भरा जफाकश भरा मैं मेहने मारन गए तो वैसे भी सवार की हिफाजत करना मेरा फर्ज है भावे जान चली जाए बाबा जिंदगी जरूरी ना इस कुड़ी का प्यो बन के मेरा निकाह पढ़ा दे ठीक है फिर मैं तेरा निकाह दे का हाँ जानी दुश्मन हुक्म दा गुलाम हूं गल कर था तेरी हमशीरा का कि होना है फड़न
दुश्मन तै चाहिए जफर। हाँ मां ऐसी वालवर किनिया गोलियां ने छे ते वे 6000 लेके जा 5000 दी तैन लोड़े ते 6000 ऐसे जफर के जदो बाप नाराज होवे ओदो मां दी ममता दा ख्याल कर लिया कर। ओह थैंक यू मम्मी, थैंक यू मम्मी। मेरा पुत्र भी की है ते ओ जड़ा मां दा दुख सीने च लुकाई फिरदा है ओ पुत्र भी की है उन्हें पैसे देनी सा ते उन्हें इनकार कर दिता ते जे इन्हें पैसे ना देंदे ते इन्हें खुदकुशी कर लेनी सी। ऐ ले अपनी रकम ते गिन ले इन्हां नूं पूरी होनी है रकम दी सानू कोई परवाह नहीं मिया ये तो साड़ी जेब विच हुंदी है असां तेरी बेगम नूं खुदकुशी करन तों बचाया होर सुना। आहो यार तेरी बड़ी मेहरबानी। लाबे ताजे 5000 रुपया ते फड़ा दे टोनी दे टाइगर नूं। लो भाई टोनी दे टाइगर क्या ताड़े कुत्तियां वर्गे नाम ने बकवास नहीं करी दी हुंदी। अच्छा जी अच्छा ते एक गल याद रखना कतलो गारत ते बयाने जड़े हुंदे ने ना ऐसी कौड़ी काट नहीं कदी दी थी पूरे 5000 ने बेशक गिन लेवो। ओए पूरे भी होने लोए बंदे दा ना दसो रहंदा की ना ते ओदा जानी सारा शहर उनु हुकम दा गुलाम कहंदा। हुकम दा गुलाम हुक्म दे गुलाम दिए जोरत टाइगर मुकाई अभी तुसी चलानी है ते फिरती मैं खानी है हुन सांभ लो अपना माल ते चलो मेरे नाल। चलो ताजे चल भाई वाजिया। हुण वेखांगा कमीना मेरे हाथों बचदा किस तरह। माजी किन्नू कतल करवान लगे किसने माजी ओ ताड़ा पुत्र नहीं माजी ओ ताड़े पुत्र का दुश्मन है। पर है तो किसे मां दा पुत्र है ना किन्ना जुल्म करवाए मां को अपनी मौत दा डरावा देके किसे नु कतल करवान दी कीमत वसूल कर ले मां को। माजी मैं जिस लड़की ने प्यार करना तो जिदे बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता वो कमीना उदने शादी कराना चाहता है। कुड़ी दी की मर्जी कुड़ी भी उस कमीने नु पसंद करती और ताड़ा पुत्र अपनी पसंद खरीद ते सकता है ਉਹਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਫਰ ਜੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 6000 ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਖਰੀਦ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਓਗੇ। ਜ਼ਫਰ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੀਚ ਟਾੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਫਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਚਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। फिर मां आख दिता है मां दा ते दूजा कोई ना नहीं। मां जी रब भी ला शरीक खवांदा है ओदे भी बेशुमार ना ने। वे मेरे सियाणिया पुत्रा एडिया सोहणिया गल्लां ना करिया कर किधर नजर ना लग जाए। की दसा मां जी रब दी कसमे जिस वेले भी तुसी मेरे सामने आंदे हो मेरे अंदरों एक पुत्र जाग पैंदा है जेड़ा तुहाडे विचों मां दी मामता वेखदा है ते फिर मैनू इंज लगदा है जिवें मैं रहम ते करम दे साए थले आ गया। मैनू हुण दुनिया दी कोई ताकत नहीं मार सकदी। फिर मां सदके हो गई तेरा मां दे बारे विच एही मान है। मेरा ईमान तो इथों तक
जे रब दी कोई दूजी शकल होंदी ते ओदा रूप मां दा रूप होंदा ते अज मां दा रूप मेरे घर चल के आ गया। पुत्तर कहंदा जी कुछ दिनों तक मेरी शादी है, जन्नत दी छां बन के मेरे सिर ते आन खलोना। जरूर आवांगी, मां बन के आवांगी, मां दा हक अदा करांगी, पुत्तर नू सेरे बनना आवांगी, पुत्तर नू कुछ दे आवांगी, पर एक पुत्तर खोलो दूजे पुत्तर ले कुछ मंगांगी नहीं। दूजे पुत्र ले कुछ मंगांगे नहीं। खैर मां जी, तुसी मेरे को दूजे भरा ले कुछ मंगन आए हो? आई सा, पर हुण नो वक्त, ओ वेला, ओ कड़ी इन्ने दूर गुजर गए ने कि ना ही ओ वेला वापस आ सकता है ते ना ही मैं तेरे के सवाली बन सकनी है। मां दे कदी भी सवाली नहीं बनी मां जी, हमेशा पुत्र ही सवाली बनता है। पहले रो रो के दूध मांगता है, गल्ला करनी आ जन ते पैसे मांगता है, वड्डा हो के मर्जी दा रिश्ता मांगता है, हमेशा मां ही ओदी चोरी भरती है। इसलिए ते मैं जा रही हूं मां सदके, कि मैं ओ मां ना बना जेड़ी अनहोनी गल करती है। ते मां जी फिर गल जरूर करो, सवाल नहीं, मैं अर्ज करना वा तो तुहानू मेरा सिर चाहिए कि सिरे, मेरी जान चाहिए कि दिल का खून, सिर तो लैके पैरों तक तुहाडे इस गरीब पुत्र को सिर्फ एक जिसम मलकीयत है, तो ये जेड़ा हिस्सा चाहिए रब की सांभ है, डकरे करके तुहाडे कदम च रख देना। जानी वेख के खुद ही गल्लां शुरू कर दित्तियां नी मां सदके, किधरे ओ ना होवे कि मां तेरे तो कुर्बान होके जावे इथों। नहीं मां जी नहीं, तुसी ना आंदे ते खौरे मैनू मरे होया किन्नियां कड़ियां गुजर गईयां होंदियां, तुसी मैनू जन्म नहीं दिता, दूजी जिंदगी दे दित्ती है ना, मैं तुहानू खाली हथ नहीं जान देंगा। पुत्तर वे, मैं तेरी जिंदगी बचा के तेरे कोलो तेरी जिंदगी नहीं मंगना चाहती, तेरे सिर ते सिरे बनन दा वादा करके सिरियां वाला सिर नहीं उठाना चाहती। गरीब पुत्र की मां बन के ओदी शादी का हक अदा करन दा वादा करके ओदिया खुशियां अपने बंगले च नहीं सजाना चाहती, एक गरीब पुत्र दा घर जाल के दूजे पुत्र दा घर नहीं वसाना चाहती। मां मेरी, तू अपने गरीब पुत्र को मंगे ही की, ना ना करके भी सब कुछ दस गई, जा मां, जाके जफर दे सिर ते सेरे बांधे, मैं हुणे अपने सहुरियां दे घर जाके इनकार कर देंगा। अरे की कह दिता ही बेटे, जो तुसी ते रज्जो सुन नहीं सकते बाबा जी, ते मैनू ये गल कहन लई अपने अरमाना अपनियां खुशियां बल्कि ये समझ लो मैनू अपनी जिंदगी दा गला घुट के गल कहनी पई। उस मजबूरी दा ना दस बेटे, जिन्हें इस गरीब घर दी सादी जी खुशी ते तेरी जबान दी छुरियां चढ़ा दित्तियां ने। मेरी जबान दा हर लफ्ज तुहाडे लई इस गले छुरी बन गया बाबा हजूर, कि इहो ही जबान मैं तुहाडे जे किसे होर बजुर्ग नूं दे दित्ती है। मैं तैनू धी दे के पुत्र बनाया बेटे, उस बुजुर्ग का नाम मेरे कुल ना लुकाई, इसलिए कि रज्जो का मंगेतर मेरा भी पुत्र बन गया। प्यो का डावा डोल परछावा एक दफा मेरे को पहले भी आया सी बाबा हजूर, सच्ची मोहब्बत भी मिल गई, पर मां जिन्हू जन्नत की छां कहते ने इस बद नसीब ना मिल सकी, अज मां मिली है, उन्हें मां का हक अदा करना चाहिया ते मैं पुत्र बन के उदा हक अदा कर दिता। जिस वेले मैं अपने आप नू वेख्या, मैं फिर कल्ला ही सब बाबा हजूर, ते मैं अपनी मोहब्बत अपनी गुरबत ते जिंदगी दा सरमाया रज्जो दा प्यार मां दी चोली च पा चुका बाबा हजूर। ते मेरी मोहब्बत दा सौदा साडे पुछे बगैर किस तरह कर सकते हैं? रज्जो रब दी कसम है, तुसां दोवां ने मेरे खलूस दा इन्ना कु हक अदा कर दिता सी कि मैं मां दी झोली भर लगे अपना दामन इस गले खाली कर लिता सी कि मैनू ईमान दी हद तक यकीन सी
जे तुसी मैनू खैरात दे तौर ते किसे नूं दिओगे ते मैं इनकार नहीं करांगा, ते जे मैं तुहाडियां सदरां ते उम्मीदां दी पंड किसे होर दी झोली च पा देंगा ते तुसी मेरा हाथ नहीं रोकोगे। ते सिर्फ जिंदगी दा सौदा कीता ही मेहरबान सौदागरा के मरण दा हक भी खोले। रज्जो तू मेरी मां दी होण वाली नूं बनेगी, ते बाकी कब्रिस्तान दसेगा कि पहले जनाजा किधर जाता है। बाबा हजूर मैनू माफ कर देना, जफर दी मां नूं इनकार ना करना, इनकार ना करना। उस कमीने कतल ना किया जाए, हूं बच भी गया ते मेरी शादी का चांस भी बन गया। ऐसे वेले उठो मां जी, तो चल के मेरे लिए रिश्ता मांग लो। बस कमाल है, तो तड़ले मामूली गल है मां जी, तो मेरी जिंदगी मौत का सवाल है। शायद किसी और दी जिंदगी मौत का भी सवाल होवे। ओहो उठो मां जी उठो ना, आओ प्लीज।
पर? जी मां जी। जे मैं कहूं कि तू ये शादी से इनकार कर दे तो मां दी गल मान लेवेगा? कमाल है, पता नहीं तुसी समझ दे क्यों नहीं। जे मेरी शादी उथे ना हुई तो मैं मर जावांगा, मैं मर जावांगा। ते तुसी बार बार यही गल्ला क्यों कर दे मां जी? क्यों करनी, एवं बस थोड़ा जा फर्क देखना सी, वो देख ले। रज्जू बीबी तक आ रहा कोई? मुंशी बेगम साहिबा, तुसी ते एनी मुद्दत बाद मेरे गरीब खाने ते? रज्जू तेरी थी है मुंशी? बेगम साहिबा, इन्ना ते तुहान भी याद है कि इस बदनसीब बाप की बदनसीब धी भी सी, जदों तुसी अपने पुत्र दे दुखों मैंनू अपने बंगले चो बाहर कढ़िया ते ओह सरमाया मैं अपने मोढ़ियां ते रख के बाहर आ गया। पर तुसी बाहर क्यों खलो रहे हो? अंदर तशरीफ ले आओ ना, आओ। रज्जो, रज्जो बेटी, देख साडे घर कौन आए ने। अज ते फकीर दे घर बादशाह आप आ गए ने। रज्जो बेटी, ये साडे पुराने मालिक ने बेगम बशीर, इन्हां नूं सलाम करती है। सलाम बेगम साहब, जिंदगी रोती है, अल्लाह खुश रखे। ती रानी, तू बेगम साहिबा वास्ते कोई चाह दा बंदोबस्त कर। अच्छा जी। असा तेरे दुख की कहानी सुनद आया, तेन इस वास्ते नहीं टोकिया कि बंदा दुख अपने ना ही फोल दा, अपने ना दुख फोल के दुख कट जाते। तेरे जान के बाद असा तेन बड़ा लभ्या सी। नहीं बेगम साहबा। हाँ मुंशी, वो इसलिए कि साढ़े घर दी खुशियां वापस आ गई सन, तो असी चाहते स तेरिया खुशियां भी तेन वापस कर दे। छोटे सरकार, तुहानू मिल गया सन बेगम साहिबा? हाँ मुंशी, वो सानू मिल भी गए ने, ते हुन माशाला जवान भी हो गए ने। अलहमदुलिल्लाह। ते हुन असी ये फैसला किया है कि तुहाडे कोल गुआचन वाले जफर नू हुन तुहाडा ही पुत्र बना दईए। मैं समझ गया बेगम साहब, कहीं तुसी मेरे दरवाजे ते आके मुंशी करीम दा घर नहीं पुछिया सी, अपने पुत्र दे रिश्ते वास्ते रज्जो दा घर पुछिया सी। मुंशी इनकार ना करी, अज मैं तैनू मुलाजम समझ के नहीं अपने जहा समझ के ते तेरे अगे हाथ जोड़ के मिन्नत कर रही हूं। मैनू खाली हाथ ना डोरी। तुसी खाली जा ही नहीं सकते बेगम साहब, इस घर दा रिश्ता तुहाडे आउण तो पहला ही मेरे पुत्र जानी ने तुहाडी झोली च पा दिता सी। जानी ने? ओ बड़ा अजीम पुत्र है मुंशी, यकीन कर के जन्म में जफर न दिता ते पुत्र बन के मां दा हक जानी ने अदा किया। सुनो बेगम साहबा, ती भी तुहाडी है ते पुत्र भी तुहाडा है, जदों मर्जी जंज लैके आ जाना, पर देखो बरखुरदार दी आदत ठीक करो। ओदी मर्जी सी ओदी शादी रज्जू नाल हो जावे ते ओह सी ओदी जिद पूरी कर दित्ती, हुन ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे, बस फिर तो सब ठीक है। अच्छा हुन मैं चलनी। जरा बैठो, तीरानी चाह पी लियांदी। फिर करी सही, तन पता के ब्याह दी तैयारियां तूरियां कर छोड़े। मर्द दे बख्शे ओ जख्मे जेड़े औरत दे सीने सारी उम्र इसदे रहंदे ने, तेनू पता है कि ओदी शादी मियां बिस्ती कर। पर एक गल मैं बोल देनी चाहना, मियां बशीर दी बीवी नूं मैं मां आख्या, ते मां नाल कीता होया वादा पुत्तर नहीं तोड़ सकदा। जानी जे तेरा ए फैसला ते याद रख, मेरी रज्जू नूं कुछ हो गया ते एदी जिम्मेदारी तेरे ते होवेगी। ए नहीं हो सकता। मैनू अपने रस्ते दी दीवार ना बना मियां, 50,000 तो ये सौदा महंगा नहीं हो। हुण सुना, 20,000 दी रकम भी घट नहीं हुंदी उस्ताद, वो मैं तेनू देने तैयार, इसलिए कि तू चंगी तरह जानना तेरा पुत्र मेरा जफर बन के मेरी बेगम की जिंदगी बन चुकी। ये मेरा जफर नहीं।
जिन्नी देर मेरा लड़का तुहाडा पुत्र बन के इस घर विच रहा इन्नी देर कोई शख्स गवर्नमेंट की नौकरी करे तो 50,000 रुपया ओदा गवर्नमेंट के घर विच जमा हो जाए। मैं मन्ना उतार तेरे भी यकीन कर ले मिया जे तू मैनू 50,000 रुपया ना दिता ते तेरी बेगम इन्ने अरसे तो जिस आस से जिंदा है ओदी आस ही नहीं टुटेगी ओदी साह भी टुट जाएगी। मैं 10,000 रुपया होर दे सकना इस तो वध रकम इस वेले मेरे कोल नहीं। हाँ पर मैं वादा करना फिर किसी वेले आवी तो मैं तेरी बाकी रकम तेनू अदा कर देंगा। खुदा दा वास्ता है हौली बोल जिदे वास्ते आज तक मैं तेरा मुंह बंद किया होया सी जे उन्हें सुन लिया ते खुशियां भरिया घर मातम कदा बन जाएगा। मैं इस तो भी उच्ची बोलांगा मियां इसलिए कि मेरा 50,000 उसे वेले खड़ा हो सकता है जदों तेनू इस घर विच मौत दे परछावे दिसण लग पैण। 50,000 लै मियां नहीं तो याद रख सजे घर विचों जफर की जंज नहीं निकलेगी तेरी बेगम का जनाजा निकलेगा। खुदा का वास्ता मेरे को बाकी रकम का चेक ले ले पर उच्ची ना बोल नहीं तो मेरे घर का 20 साल पुराना सुकून बर्बाद हो जाएगा। खैर जा मिया चेक दे के ते तू सवेरे रुकवा भी सकना रुकवा की तू मैं गिरफ्तार करा सकना इस वेले तू मेरे को गिरफ्तार है। 50,000 की रकम कोई बहुत ही नहीं लाया हमेशा लिए रिहाई मिल जाएगी नहीं तो मैं आप तेरी बेगम नाल गल करना। गल करन दी ते लोड़ नहीं पेगी सालम इंसाना 50,000 तक की मैं 3,00,000 रुपया देन ले तैयार हाँ पर मैंने सिर्फ इन्ना दस दे जे जफर नहीं तो मेरा दिल का टुकड़ा दे वे। तुसी क्यों आ गए हो बेगम इहदे नाल मैं जो गल कर रहा पुत्र हटा ते नहीं विकते मियां साहब ते जे इतफाक न किसे सौदागर ने पुत्र जेन मोल हीरे की कीमत पा दिती है ते फिर मां ही दूनी बोली दे सकती है प्यो ते सौदागर दे सर जहर चो कुछ बचाना चाहता है। बेगम साहिबा रकम इधर मैनू फड़ाओ मैं तुहाडा जफर लिया देना। वे साडा जफर बना के अज तो 20 साल पहले भी सौदा दे गया सर सौदागरा जिदा बाप बन के मेरा शौहर मां की ममता की किश्त हर महीने अदा कर रहे हैं। उस वेले एक नेक दिल खामन ने अपनी बीवी की जिंदगी बचाने ली तेरे ना एक सौदा किश्ता किया से ते आज एक मां गाहक बन के आई है तो 50,000 मंगिया मैं 1,00,000 देने लिए तैयार हाँ ते नाले तेरे पैरों नूं हाथ ला के कहनी हाँ मेरा जिगर का टुकड़ा मेरा घर का चानन मेरा हीरा मेरा लाल मैं मोड़ दे। तुसी अपने हीरे ते लाल नूं परोंदे हो बेगम साहिबा मैं भी वरे सीने ते पत्थर रख के अपना पासे दे सोने वर्गा पुत्र तुहाडे घर दी रौनक बनाई रखी है। सौदे च खोट मिला के पित्तल दा सोना बना के दे गया सेना ते अज ओदा सारा मलम्मा लथ गई अज सिर तो लेकर पैरों तक पित्तल ही पित्तल नजर आन लग पिया ते मैं तैनू पित्तल दी कीमत नहीं पुत्र दी कीमत दे रही हां वे ते 1,00,000 थोड़ा ही ते 1,50,000 ले ले पर मेरा पुत्र मैनू वापस कर दे। तुहाडा पुत्र है बे बेगम साहिबा अपनी अमानत वापस ले लो। सराजिया तू अपने जुर्म की सजा ते मैं भुगत रहा मियां साहब पर मेरे को लेना वक्त नहीं हैगा तुसी अपनी अमानत वापस ले लो ऐहोई तुहाडा जफर जिन्हों मैं चुक के लै गया सा मैं अपने भैन का इंतकाम तुहाडे को लिया पर खुदा ने मेरे को इंतकाम ले लिया अरे जिना तू जान नसीब ही निकल दी ते समझ चाया कि हक हक तारा नू दे दे जालमा जिंदगी ते जेड़ ते सौखे नहीं हो गुजारे मरने आसान कर ले मैनू माफ कर देना मियां साहब जानी माजे जानी मेरा लाल मेरा हीरा मेरी अखां दा चानन माजे मां अन्नी भी होवे ते ओदे दिल दी अखां कह दिंदियां ने के तेरे जिगर दा टुकड़ा है वे मां दी उम्र विशाला तैनू लगे
जिन्नी वरी मेरी अखां दे सामने आया है परवरदिगार दी कसम मेरा दिल एहो चाहुंदा सी कि मैं तैनू अपने दिल दा टुकड़ा कह लवां। मां जी, अब्बा जी, अब्बा जी, या भई यार पुत्रा, जीवन जोगिया असी ते आज तक फुल दे बहाने कंडिया ते मुंह तरी रखे। अब्बा जी, तुसा अपने कना नाल सुन लिया, तुहाडा चंगा हुण बुरे आदमी कोल जाके भी बुरा नहीं होया, ते हुण मेरी दिली खाश ए वे कि जिन्हें सानू मिला के साडे ते एडा वड्डा एहसान किया, मैं इहनू मरन ना दिया। ओ ठब्बा, समझ ले मेरे मां प्यो हाले मैं नहीं मिले, चल मैं तेनों हस्पताल लै चला। अब्बा, अब्बा जी। ओए जफर, बेवकूफा, प्यो नू गोली मार दित्ती आ। ओए जे मैं तेरा पुत्तर हुंदा ते हुण तक सड़कां ते मंगदा फिरदा, तू अपने अन्ने लालच का ढिड भरन लई मैनू दौलत का पुत्र बनाता सी, हुण तू प्यो बन के भी दौलत नू हथ लैंगा ते तैनू हथ नहीं लाण देंगा। मरन लई तैयार हो जा, तैनू पता लग ही गया कि मैं तुहाडा नकली पुत्तर हाँ, हुण मैं तुहाडे असली पुत्तर नू भी जिंदा छड्डांगा। ओ चला गोली, तू मैनू गोली मार के अपने हराम खून का सबूत दे, ते मैं मार के अपने हलाल खून का सबूत देंगा। कन्न खोल के सुन लाए बुढ़े ते बुढ़िए, मैं तुहाडे पुत्तर नू ऐ शर्त दिंदा छड्ड के जा रहा, इस तो बाद मैं मुंशी दी धी नू चुकना, जे किसी ने मेरा पीछा किया तो चंगा नहीं होएगा। मां, तू मैनू पहला हुक्म दिता सी, मैं अपना प्यार अपनी होने वाली बीवी छड्ड दिता सी, अज मैं दूजा हुक्म ए दे, मैं तेरी होने वाली नूं नूं इन्हां ज़ालमां कोल बचा के लियाना। नहीं पुत्रा, तू कल्ले ते बहुत सारे ने। मां, तू मैनूं हुक्म ते दे, मेरा ईमान है जदों मां औलाद नूं हुक्म देवे ते अल्लाह सच्चा उस औलाद दी आप मदद करदा, तू मैनूं हुक्म ते दे। जा पुत्रा, रब तैनूं हर मैदान च फतह देवे।
ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ किरायादार हुकम दा गुलाम लाला जी अच्छा अच्छा ओए वो उधर कौन किराया वसूल करते है हुकम को गुलाम मार आ सत्य अब डाले अरे ना छोड़ हो जा तो दे ओए कानून खड़े ओ तुसी ना साथियों ओए ओस का क्या दर साथी है हम तो ये का साथी है हां जी ये हाथी मेरा साथी है बर्बाद साडे दोवां दे कारोबार बुलबुल का बच्चा जिंदाबाद चलो हुण चल के कोठी लईए समनाबाद